बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मीम, कक्षा 6 पाठ 16 मन की साहसी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब आगे कुछ समय बाद सरिता के पिता का तबादला नागपुर हो गया। वहाँ उसे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश। सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसको एक नई पहचान दी और राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बाल श्री सम्मान योजना में सरिता ने भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन से स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में क्षेत्रीय बाल श्री शिविर में भाग लिया और वहाँ से चुने जाने के पश्चात दिल्ली के राष्ट्रीय बाल शिविर में भाग लिया। बाल श्री योजना में भाग लेने की घटना के बाद उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब वह आने वाली चुनौतियों से घबराती नहीं बल्कि उनका सामना करने को तत्पर रहती, यानी तैयार रहती हर समय। सरिता का कहना है कि मुखर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बाल श्री सम्मान योजना में सहभागी होकर सीखा। उसी के शब्दों में, बाल श्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे दो ऐसे काम करने पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, जिनमें से एक था मिट्टी का काम तथा दूसरा वॉल पेंटिंग। मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत परेशानी हुई। विषय था खाना पकाती स्त्री, यानी ये पेंटिंग उसको बनानी थी और वो भी मिट्टी से पूरा बनाना था और मात्र एक पेड़ से। वह इस विषय पर क्या खाका खींचती, यानी क्या वो बनाए, इसका चित्र किस तरह बनाए, वो सोच में डूब गई। लगभग 1 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। तत्पश्चात मात्र एक पेड़ द्वारा उसने शीघ्र एक अत्यंत जीवंत मूर्ति तैयार कर दी, यानी जीती जागती मूर्ति तैयार कर दी। इसी प्रकार की चुनौती थी वॉल पेंटिंग, यानी दीवार पे पेंटिंग बनाना। सरिता ने अपनी परिस्थिति का ब्यौरा देकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की, बल्कि मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग की भी बिखेर दिया, यानी वो पेड़ से काम करने वाली उसने अपने मुंह में ब्रश पकड़कर वॉल पेंटिंग करी। जब सरिता को बाल श्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला यह सम्मान उसकी जीवन का सबसे स्मरणीय, यानी यादगार क्षण था। और उसके बाद मानो सरिता के जीवन की दिशा बदल गई। आज वह पढ़ती लिखती है, पेंटिंग्स बनाती है, सभी उसके गतिविधियों में सहयोग होती है और अब वह छूमुई वाली अंतर्मुखी सरिता बन चुकी है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के बाद सबसे अच्छा बात यह हुई कि उसके मित्रों का एक विशाल समुदाय बन गया। मीडिया में उसके इंटरव्यू के पश्चात जो आज देश विदेश सभी जगह उसके मित्र है, जो उसकी अत्यंत अमूल्य निधि है, यानी धन संपदा है वो ही। सरिता ने 10वीं की परीक्षा दे दी और वह कला में स्नातक की उपाधि पाना चाहती है। वह चाहती है कि लोग उस पर दया न दिखलाए। केवल एक पांव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती थी जो आवश्यक है, यानी किसी की कोई परेशानी नहीं और नहीं किसी की कोई सहायता लेना चाहती थी। खाना बनाना उसका प्रिय शौक है और दूसरा प्रिय शौक है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना व उनके साथ खेलना। सरिता को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 में मिला। इस पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला द्वारा यह कटाक्ष की कि जब माता पिता नहीं रहेंगे तब कैसे कटेगी जिंदगी, ने सरिता को अत्यंत आहत किया। परंतु सरिता आत्मविश्वास से भरपूर है। वह कहती है कि जब उसका जीवन ही चुनौती है तो वह आने वाली हर चुनौती का सामना
सक्षम होकर करे। पहले वह अपने माता पिता के नाम से जानी जाती थी, किंतु आज उसकी पहचान अपनी अलग ही पहचान है और अपनी यह अलग पहचान ही उसके मन के साहस की अद्भुत मिसाल है, यानी उदाहरण है। आज ये पाठ पूरा होता है और अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ और टिप्पणी लिख लेना। फिर उसके बाद प्रश्नों के अभ्यास के प्रश्नों के मैं पीडीएफ भेजूंगी, वो अपनी नोटबुक में कर लेना। बाय बच्चों।